हाय, मेरा नाम रवि शाह है, मैं मुंबई से हूँ। मैंने मेरा डिप्लोमा कंप्लीट किया इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिग्री कंप्लीट किया इन इलेक्ट्रिकल। उसके बाद मैंने 2 साल मैंने जॉब किया BMC इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पे, और मेरे को लगा मेरा कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने अभी MBA में एडमिशन लिया है इन IUBI जर्मनी थ्रू अपग्रेड। जैसे मेरा BTEC खत्म हुआ तो मैंने सोचा कि अब मैं MBA कर लेता हूँ। जब मैंने 2-3 कंसल्टेंट्स के समय गया, जब मैंने उनका रिव्यू लिया साथ में बैठ के, तब उनका बजट और मेरे बजट के बीच में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अभी जॉब कंटिन्यू कर लेता हूँ। जॉब करते हुए मेरे को 2 साल हो गया था, फिर भी मेरे को लग रहा था कि मेरे को MBA करना चाहिए। तब मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को पता चला कि अपग्रेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल कोर्स भी करवाता है। जब मैंने सर्च किया तो मेरे को लगा कि मैं इसमें से इजीली MBA कर सकता हूँ, इसलिए फिर मैंने MBA में एडमिशन ले लिया थ्रू अपग्रेड। मेरे 2 रीज़न हैं अपग्रेड चूज़ करने के। पहला रीज़न ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में MBA सिर्फ 3 ही फील्ड में होता है, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग में, और मेरे को करना था MBA इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, जो कि अपग्रेड के पास अवेलेबल था। और दूसरा रीज़न मेरा ये है कि मेरे जो पुराने जो फ्रेंड्स और कलीग्स हैं जिन्होंने अपग्रेड से अच्छे अच्छे कोर्स किए हुए हैं और आज वो अच्छे कंपनी में सेटल है। जैसे कि मैं 2 साल पहले सोच रहा था MBA करने का, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि उसका बजट कुछ ज़्यादा था, और अब अपग्रेड की वजह से मैं इजीली कर सकता हूँ क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो बहुत अच्छा है। वो हमको एक साथ में पूरा पे करने को नहीं बोलते, हम इजीली मंथली भी हम पे कर सकते हैं। जब मैं इंडिया आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक अपना खुद का एक ऑपरेशनल यूनिट यहाँ पे खोल सकूँ,